Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now let us see an example जिसके अंदर हम बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे. एक फैमिली की मंथली इनकम है 20,000 रुपीस, एक मंथ की इनकम है उसकी. तो उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने जो खर्चे हैं एक मंथ के, उनको डिसाइड किया, ठीक है. और उसको डिसाइड करके उन्होंने कुछ नेम्स दिए. वो कैसे, अंडर सम हेड्स दे हैव डिवाइडेड देयर एक्सपेंडिचर्स. ग्रोसरी के लिए उन्होंने 4,000 रुपीस एक्सपेंडिचर लिया, रेंट के लिए 5,000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए 5,000 पर मंथ, मेडिसिन के लिए 2,000 पर मंथ, फ्यूल के लिए 2,000, एंटरटेनमेंट के लिए 1,000 और मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए 1,000 उन्होंने एक्सपेंडिचर लिखा. अब हमें इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है. सो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम कुछ स्टेप्स कंसिडर करते हैं. नोट दैट द यूनिट इन द सेकेंड कॉलम इज 1,000, 1,000 यूनिट है सेकेंड कॉलम में, 1,000 रुपीज. सो 4 का मतलब है 4,000 रुपीज, फाइन. सबसे पहला स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट द हेड्स, जो हेड्स हैं उनको वेरिएबल मानते हैं. उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस में, कोई भी स्केल चूज करके, कोई भी विड्थ चूज करके, क्योंकि जो विड्थ है इस बार की वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके. लेकिन क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल विड्थ ले लेंगे सबकी, सारे बार्स की, और इक्वल गैप्स उनके बीच में बना के रखेंगे, ओके. अब एक हेड को हमने एक यूनिट से, अगर सपोज हमने उसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है. सेकेंडली हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर जो कि वैल्यू है उसको हम वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ले लेंगे. क्योंकि मैक्सिमम 5,000 है तो हम 1 यूनिट को 1,000 का स्केल दे सकते हैं इजीली. थर्ड हम क्या करेंगे, फर्स्ट हेड जो कि ग्रोसरी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे. उसके लिए हम रेक्टेंगुलर बार बनाएंगे जिसकी विड्थ 1 यूनिट होगी और हाइट 4 यूनिट होगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी है 4. उसको हमें टेबल में, हमें ऑलरेडी जो ग्रोसरी है वो हमें 4 गिवन है, तो उसकी जो हाइट होगी वो होगी 4 और विड्थ तो जो हम सबकी ले रहे हैं वही होगी. अब इसी तरीके से बाकी हेड को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक एक यूनिट का गैप छोड़ छोड़. सो लेट अस सी हाउ. हेड्स हमने इधर लिए नीचे, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस. और यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर ले लिया 1,000 रुपीज में, 0 से लेकर 7 तक, 1-1 के गैप से. ग्रोसरी का था 4,000, तो उसका बार, आप देख रहे हैं सब बार जो है वो इक्वल विड्थ के हैं और बीच में इक्वल स्पेस है, लेकिन हाइट अलग है इनकी. हाइट अलग कैसे हुई, जो हमने टेबल बनाया था उसके हिसाब से. ग्रोसरी में 4,000 रुपीज थे तो उसका बार जो है वो 4 तक जा रहा है, ठीक है. रेंट में 5,000 थे तो उसका बार 5 तक जा रहा है. एजुकेशन में भी 5 तक थे, उसका भी 5 तक जा रहा है. मेडिसिन में 2,000 थे तो उसका बार 2 तक जा रहा है. फ्यूल भी 2,000 का था तो उसका बार भी 2 तक है. और एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस दोनों 1,000 के थे तो उसका बार, इन दोनों के बार जो है वो 1-1 तक जा रहे हैं. सो इस तरीके से हम एक बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं.